तिहाड़ की जेल नंबर 2 में कैद केजरीवाल। जेल नंबर 2 बना अरविंद केजरीवाल का नया पता। तिहाड़ की 2 नंबर जेल अब दिल्ली के सीएम का नया पता बन गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का रूटीन पूरी तरीके से बदल गया है, क्योंकि अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। ऐसे में तिहाड़ की जेल नंबर 2 में कैसे कटेगी केजरीवाल की रात और कैसे कटेंगे दिन, आज इसकी पूरी डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में मौजूदा समय में 4 आरोपी अलग अलग बैरक में बंद हैं। पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और के कविता, और अब केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। तिहाड़ जेल की जिस बैरक नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को रखा गया है, उसमें कुछ दिनों पहले तक आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बंद थे। फिलहाल तिहाड़ का नाम सुनते ही ऊंची ऊंची दीवारें, कटीली तारें और हर तरफ पुलिस वालों से घिरी एक ऐसी जगह की तस्वीर जहन में उभरती है जहां कोई जाना नहीं चाहता। यही वो जेल है जहां देश के एक से एक बढ़कर छठे हुए और खूंखार बदमाश रहते हैं। अब इसी तिहाड़ की जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल हैं। केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में लाया गया है। सोमवार 1 अप्रैल को शाम 4 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में लाया गया। इसी के साथ 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल का नया पता अब तिहाड़ का जेल नंबर 2 हो गया है। अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 के एक सेल में अकेले ही रहेंगे। उनके सेल के पास 6 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उनकी सेल के आसपास कड़ी सुरक्षा भी की गई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को सेल में अकेले रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे से उन पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इसकी मॉनिटरिंग खुद तिहाड़ जेल के डीजी कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही केजरीवाल को सुविधा दी जा रही है। केजरीवाल ने कोर्ट से जेल में रहने के दौरान कुछ किताबें और अन्य सामान की मांग की है, जिसे जेल प्रशासन की ओर से मुहैया करवाया गया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए सेल में 2 लेयर की सुरक्षा की गई है। केजरीवाल की सुरक्षा में QRT की टीम को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा उनके सेल की सुरक्षा के लिए एक हेड वार्डर को भी तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री के सेल में टेलीविजन की व्यवस्था है, यानी वो टीवी देख सकते हैं। साथ ही केजरीवाल लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़ सकते हैं। केजरीवाल हर दिन 5 मिनट फोन पर बात भी कर पाएंगे। तिहाड़ जेल नंबर 2 में 650 कैदी हैं, जिसमें से 600 कैदी सजायाफ्ता हैं। फिलहाल अभी केजरीवाल ने तिहाड़ में रहते 6 लोगों की लिस्ट दी है, जिनसे वे नियम अनुसार मिलना चाहेंगे। इस लिस्ट में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनका बेटा पुलकित और बेटी हर्षिता, उनके निजी सचिव विभव कुमार और आप महासचिव संदीप पाठक शामिल हैं। खैर, कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आदेश के बाद उनके समर्थक जेल के बाहर जुटने लगे। इसलिए लोगों के जेल के बाहर पहुंचने की आशंका को देखते हुए वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पहले ही जेल के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया है। वहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस ने तिहाड़ जेल की दोनों तरफ की रोड पर बैरिकेड और रस्सी से लाइन बनाई हुई है, जिससे लोग एक जगह इकट्ठा ना हो पाए। पूरी सुरक्षा की निगरानी खुद वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल DCP कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जहां केजरीवाल को रखा गया है, उसकी कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल यहां अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे कुख्यात अपराधी कैद में रह चुके हैं। क्योंकि इस जेल को सुरक्षा के लिहाज से काफी चाक चौबंद माना जाता है, इसलिए ज्यादातर हाई प्रोफाइल लोगों को यहां पर लाया जाता है। साल 2015 में इंडोनेशिया से गिरफ्तार किए जाने के बाद छोटा राजन को भारत डिपोर्ट किया गया था। साल 2018 में उसको मुंबई के पत्रकार जीडे हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली थी। उसे भी जेल नंबर 2 में रखा गया था। फिलहाल तिहाड़ जेल को एशिया के सबसे बड़ी जेलों में से माना जाता है। खैर, केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और 10 दिनों तक अपनी हिरासत में उनको रखा था। प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया, जहां ईडी ने केजरीवाल की 15 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा कि वे पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद अदालत ने ईडी की याचिका मंजूर कर ली और अब केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।